सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अग्रसेन भवन में फन फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपकरण अधिकारी रतन कुमार स्वामी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पवन सोनी, अविनाश मरुठिया, मानचंद श्राफ मौजूद रहे। सेटलर ट्रस्टी बसंत कुमार बोर्ड ने बताया कि मेले में लेडीज परिधान, श्रृंगार, हैंडमेड राखी, अन्य गिफ्ट आइटम्स के करीब 50 स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही फूड जोन, किड्स जोन, गेम जोन बनाए गए। सुबह से रात्रि तक चले इस प्रोग्राम में हर घंटे में लकी ड्रा निकालकर विजेताओं को चांदी के सिक्के प्रदान किए गए। डांस प्रतियोगिता में विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से सोलो ड्यूट डांस ग्रुप की प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें कुल 315 बच्चों ने भाग लिया। डांस प्रतियोगिता में निर्णायक वीणा भोजक हंसदों ने संभाली। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में 200 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ट्रस्टी मनीष बोर्ड, नितिन बोर्ड, गौरव कठारला, धर्मेंद्र फुलपगर, महेश तंवर, लोकेश बोर्ड, कुलदीप दुग्गड़, योगेश पारिक, मनोज सोनी, रौनक माठिया, विकास सोनी, चंद्रकांत कुटिया, ममता दुग्गड़, डिम्पल सेठिया, काजल दादी, श्रीविशा खेतान आदि ने योगदान दिया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ स्कूली बच्चों वो उनके परिजनों ने भाग लिया। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में, वो बने रही है ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना की। का चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक 6 साल से चल रही गतिविधियों का एक संगम है। ये हमारा 6ठा सीजन है। इसमें आज एक फन फेयर आयोजन किया गया है सुजानगढ़ में, जिसमें करीब करीब 50 स्टॉल लगी है, 30 से 35 स्टॉल है अलग अलग वेराइटीज़ की, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, सब तरह की वेराइटीज़ हैं। फूड जोन, गेम जोन है, बच्चों के लिए किड्स जोन अलग से रखा गया है। उसके अलावा जो हमारा मेन प्रोग्राम धूम धड़ाका सीजन 6 कंपटीशन मेला जो शुरू होता है, वो आज शुरू हो चुका है। ड्राइंग और डांस दो कंपटीशन आज हो रहे हैं। ड्राइंग कंपटीशन के अंदर 200 बच्चों ने भाग लिया है, और डांस के अंदर जो तीन ग्रुप है, सिंगल, डुइट और ग्रुप डांस, उसमें मिला के करीब 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। श्रीमान SDM सर सुजानगढ़ से, उन्होंने फीता काट के इसका इनॉग्रेशन किया है। हमारे मेन स्पॉन्सर हितेश ज्वेलर्स, उनका हमें सपोर्ट मिला, उन्होंने आज की ओपनिंग की है। उसके अलावा अभी कई गणमान्य लोग आएंगे विजिट करने के लिए, और सुजानगढ़ की करीब करीब सारी संस्थाएं और सारा समाज हमें सपोर्ट कर रहा है। और इसके अंदर अपनी हमारे ट्रस्ट के अंदर कई सामाजिक गतिविधियां हमने की है, जिसमें एक वाटर प्रोजेक्ट है, जिसमें 60 दिन तक निरंतर हमने जाके ठरडा के अंदर गायों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था की। उससे पहले सर्दियों के मौसम में हमने 200 कंबल सुजानगढ़, रतनगढ़, छापर, बिदासर और लाडनू, इनके उन व्यक्तियों को जो रात के ठंड में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पाए गए, उन सबको हमने इसका लाभ दिया है।